नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे बच्चों के सिर पर या हेड पर जो भंवर होता है, जैसे कि बहुत से बच्चे के सिर पर क्लॉकवाइज, बहुत से बच्चों के सिर पर एंटी क्लॉकवाइज, किसी किसी के सिर पर एक ही भंवर होता है लेकिन थोड़ा साइड में होता है, और बहुत से बच्चों को तो दो दो भंवर भी होता है। तो इसका क्या मतलब होता है? जो हमारे दादी नानी सिर का भंवर देखकर कैसे बता देते थे बच्चों का भविष्य, और यह भी बता देती थी कि आगे आने वाले बच्चे बेबी बॉय होगा या गर्ल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्लॉकवाइज भंवर वाले बच्चों के बारे में। दोस्तों, जिन बच्चों के हेड पर क्लॉकवाइज भंवर होते हैं, उन बच्चों के बारे में जो हमारे दादी नानी है वह यह कहते हैं कि ऐसे बच्चे जो होते हैं वह बहुत ही ज्यादा शांति प्रिय होता है, बहुत ही शेयरिंग और केयरिंग वाले बच्चे होते हैं, हमेशा मम्मी की साइड पर ज्यादा रहते हैं, मम्मी को ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं, दिमाग से तेज होते हैं। ऐसे बच्चे फटाक से गुस्सा हो जाता है लेकिन जल्दी शांत भी हो जाते हैं। इन बच्चों का मन बहुत दयालु होता है। ऐसे बच्चों को घर का सामान अच्छे से समेट कर रखना पसंद आते हैं, ऐसा नहीं कि इधर उधर फेंक कर रख दे। ऐसे बच्चे के साथ शायद उनका किस्मत रहता है कि वह भविष्य में बहुत तरक्की पाते हैं, अपने एक मुकाम पर पहुंच ही जाते हैं। साथ ही जिन पेरेंट्स के बच्चे के सिर पर यह क्लॉकवाइज भंवर होता है, उनके जो नेक्स्ट बेबी होता है वह बेबी गर्ल होता है, ऐसा ही हमारे बुजुर्ग कहते हैं। अब जानेंगे सिर पर एंटी क्लॉकवाइज भंवर का क्या मतलब होता है। दोस्तों, ऐसे बच्चों के नेचर भी थोड़ी बहुत क्लॉकवाइज भंवर वाले बच्चों के जैसे ही होता है। वह काफी शांत होते हैं और मम्मी पापा दोनों के साइड पर होते हैं, मतलब उन्हें मम्मी पापा दोनों ही साथ में चाहिए होता है। ऐसे बच्चे बहुत लविंग और शेयरिंग होता है, मतलब ऐसे बच्चे को लोग बहुत प्यार भी करते हैं और वह अपना चीज दूसरे के साथ शेयर भी करता है, ईर्ष्या कम करते हैं, काफी इंटेलिजेंट भी होते हैं, और जो मुकाम हासिल करना चाहता है, जो उन्होंने सोच लिया है कि मुझे इस पोजीशन में जाना है, तो उस मुकाम तक जाकर ही रहता है, क्योंकि कुछ पाने के लिए ऐसे बच्चे कड़ी मेहनत करते हैं। जिन बच्चों के सिर पर एंटी क्लॉकवाइज भंवर होते हैं, उनके पेरेंट्स का जो अगला बेबी है वह बेबी बॉय होता है, ऐसे ही हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे बताते हैं और यह सच भी होता है। अब जानेंगे जिन बच्चों के हेड पर दो दो भंवर होता है उनका क्या मतलब होता है। ऐसे बच्चे जो होते हैं वह बहुत ही ज्यादा शैतान होता है। यहाँ पर शैतान मतलब वैसा वाला शैतान का बात नहीं कर रही हूँ, मस्ती वाला शैतान का बात कर रही हूँ। यह बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, खुराफती होते हैं, मतलब कि वह एक पल भी शांत नहीं बैठ पाता है। इनके पैर कहीं एक जगह पर टिक नहीं सकता है, इधर से उधर, उधर से उधर, बस ऐसे ही मस्ती करते रहता है। हर वक्त इन्हें मस्ती सूझती है, सोचते हैं कि ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा। ऐसे बच्चे जब सोते हैं सिर्फ मम्मी को तभी शांति मिलता है, मतलब आप समझ जाइए कि कितना मस्ती करता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे बच्चे को अगर सही गाइड मिले तो यह बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं, हजारों में एक बच्चे के सिर पर दो भंवर होता है। यह बचपन में जितना मस्ती वाला रहता है, बड़ा होकर उतना ही शांत हो जाता है। ऐसे बच्चे अगर किसी को पसंद करते हैं तो उन्हें कभी भी नहीं भूलते हैं। और जिन पेरेंट्स के बच्चे के सिर पर दो भंवर, उनके नेक्स्ट बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा ये बताना मुश्किल है। इसके अलावा किसी किसी बच्चे के सिर पर एक भंवर होता है लेकिन बीच में ना होकर थोड़ा साइड पर होता है। ऐसे बच्चों का नेचर भी दो भंवर वाले बच्चों के तरह ही होता है। और जिन पेरेंट्स के बच्चे के सिर का साइड पे भंवर होता है, उनका नेक्स्ट बेबी ज्यादातर बेबी बॉय होते ही देखा गया है। दोस्तों, यहाँ पर बच्चों के सिर का भंवर के अकॉर्डिंग ही उनके नेचर को आइडेंटिफाई किया गया है, जो हमारे दादी नानी के जमाने से या उससे भी पहले से चली आ रहे है, वह बिल्कुल भी गलत नहीं होता है। उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई होती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ
बच्चों का सिर का भंवर देखकर बच्चे का नेचर कैसा होगा यह बताना सही नहीं है, क्योंकि अगर आप पहले से ही मन में बैठा लोगे कि ऐसे बच्चे बहुत मस्ती वाले होते हैं या ऐसे बच्चे वैसे होते हैं, तो आप पहले से ही उसके साथ वैसा ट्रीट करोगे, वैसे ही बिहेव करना शुरू करोगे, जिससे आपके बच्चे के ऊपर गलत असर भी पड़ सकता है। फिर भी सिर भंवर देखकर अगला बच्चा लड़का होगा या लड़की, इसके ऊपर मैंने काफी एक्सपेरिमेंट किया है, मुझे तो बहुत रियलिटी मिला है। लेकिन हर चीज का व्यतिक्रम भी होता है, इसलिए हो सकता है कि किसी के साथ ऐसा नहीं भी हुआ होगा, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है और ना ही हम यहाँ अंधविश्वास फैला रहे हैं। आप सिर्फ फन के लिए अपने बच्चे के साथ इन बातों को मिलाकर देख सकते हो। और प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन कौन इस बात को मानता है, किस किस के घर में यह सच हुआ है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह छोटी सी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले और दूसरे पेरेंट के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।